Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Kamini Goyal. I'm back with another video. Guys, ये video आपके लिए बहुत helpful रहने वाला है क्योंकि इस video में मैं आपके साथ share करूंगी कि आप अपनी CA final की preparation कैसे boost कर सकते हैं, आपको किस teacher के revision lectures refer करने चाहिए जिससे आपको CA final की preparation में एक boost मिले. अगर आपको कोई topic नहीं समझ आता तो आप YouTube पर उनके लेक्चर्स देख के अपना वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो. गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, जो गलती मैंने करी वो आप लोग ना करो, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं. अगर आप किसी भी टॉपिक का नाम डालोगे तो काफ़ी सारे टीचर्स ओपन होके आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें किस टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए. इसलिए जो टीचर्स मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट हैं वो टीचर्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप सेलेक्ट कर पाओगे टीचर्स. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगी. आप जिस भी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देखना चाहते हो, प्लीज एक प्लेलिस्ट बना लो उनकी, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टेड पार्ट है. इसमें रेलिवेंट से ज्यादा इररेलीवेंट कंटेंट है. आप क्या करते हो, जब भी YouTube पे रिविजन लेक्चर्स देखते हो तो आप इररेलीवेंट कंटेंट भी देखना शुरू कर देते हो. इसको सेव करने के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लेक्चर्स देखो आप अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल दो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा. गाइस, अब हम ग्रुप वन की सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं. ग्रुप वन में अपना पहला सब्जेक्ट आता है FR. FR की बात करें तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस जो दूंगी वो है जय चावला सर को दूंगी. जय चावला सर के लेक्चर्स मैंने खुद पर्सनली रेफर करे हुए हैं. वो अपने रिवीजन चार्ट्स के साथ पढ़ाते हैं और सबसे अच्छी बात है उनके रिवीजन चार्ट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. गाइस, उनके रिवीजन लेक्चर्स को ज़रूर देखना. अगर आपको कोई इंडियस नहीं आता तो प्लीज़ एक बार उनके रिवीजन लेक्चर्स ज़रूर जाके चेकआउट करना, आपका वो इंडियस ईजिली हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर हम सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो मैं भाविक चोक्षी सर को दूंगी. उनके मैंने पर्सनली खुद से रेफर नहीं करे हुए हैं, लेकिन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने रेफर किए हुए हैं. उन्होंने मुझे उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उनका यूट्यूब चैनल ओपन करके देखा तो 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने सारे इंडियस रिवाइज कराए हुए हैं. तो प्लीज़ एक बार आप उनको भी चेक करना. अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है SFM. SFM में मैं सिर्फ एक ही नाम बताऊंगी, वो है पवन सर SFM क्लासेस. ही इज द बेस्ट टीचर फॉर दी SFM. गाइस, एक बार आप जाके उनके रिवीजन लेक्चर जरूर चेकआउट करें. उन्होंने 3 से 4 घंटे में एक एक चैप्टर कराया हुआ है. अगर आपको कोई SFM के चैप्टर में प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार उनके लेक्चर्स देखें, आपका SFM बहुत ईजिली कवर हो जाएगा. मैंने उनके खुद पर्सनली रेफर किए हुए हैं. इवन एग्जाम डेज पे जब मैं एग्जॉस्ट हो गई थी तो भी मैंने उनसे 2 चैप्टर्स करके गई थी और मैं उससे बहुत सॉर्टेड हो गया था मेरा. अब हम बात करते हैं ऑडिट की. गाइज, ऑडिट में मैंने सानिध्य शराफ सर को रेफर किया था. उनके वीडियो लेक्चर्स एंड ऑडियो लेक्चर्स का मैंने कॉम्बिनेशन लिया था. उनके वीडियो रिविजन लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं और ऑडियो रिविजन लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं. ऑडियो रिविजन लेक्चर्स का मुझे जो बेनिफिट मिला मैं वो आपको बताती हूँ. जब मैं वॉक करती थी तब मैं उनको सुनती थी, तो इससे मुझे चैप्टर्स काफ़ी माइंड में रिटेन हो गए और 10 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं. तो प्लीज़ एक बार उनके रिवीजन ऑडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखना. अगर हम सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो मैं दूंगी सार्थक जैन सर को. सार्थक जैन सर ने भी काफ़ी अच्छे से सब चीज़ रिवाइज कराई हुई है. प्लीज़ एक बार उनके भी आप रिविजन लेक्चर्स देखना, वो भी बहुत अच्छे हैं. अगर हम फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें, गाइज, अगर मैं लॉ की बात करूँ, लॉ मैंने अर्पिता तुलसियान मैम से लिया था. अर्पिता तुलसियान मैम के रिवीजन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. मैंने लॉ सेल्फ किया था और अर्पिता तुलसियान मैम के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे और उनकी बुक परचेज कर ली थी, तो मेरा लॉ सॉर्टेड हो गया था. तो आप समझ सकते हो कि उनके रिवीजन लेक्चर्स कितने अच्छे होंगे. अगर हम सेकेंड प्रेफरेंस की बात करें तो वो मैं सानिध्य शराफ सर को ही दूंगी. उनके लॉ के भी रिवीजन ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और रिवीजन वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं. आप उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करो, आपकी लॉ बहुत अच्छे से हो जाएगी. गाइस, अब हम आते हैं ग्रुप 2 की सब्जेक्ट्स की तरफ. ग्रुप 2 में फर्स्ट सब्जेक्ट अपना आता है SCMP. SCMP में मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अतुल अग्रवाल को दूंगी.
हमारा जो SCM PE है वो 50-50% थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन हो चुका है। गाइस उसने नोट्स बनाए हुए हैं हैंड रिटन अतुल अग्रवाल ने, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं आपकी थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज एक बार उसके रिविजन लेक्चर्स और उसके नोट्स चेकआउट करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर हम सेकेंड प्रेफरेंस की बात करें तो संकल्प कांस्टिया को दूंगी। संकल्प कांस्टिया सर के मैंने खुद से रेफर किए हुए हैं एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने अतुल के नोट्स रेफर किए थे, साथ में संकल्प कांस्टिया सर के रिविजन वीडियो लेक्चर्स रेफर किए थे। अगर आपको कॉस्ट में न्यूमेरिकल पार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो सतीश जलन सर के आप रिविजन लेक्चर ज़रूर देखना, उन्होंने क्वेश्चन वाइज रिवाइज कराया हुआ है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। गाइस अब आते हैं हम इलेक्टिव की तरफ। इलेक्टिव में मैंने सानिध्य शराफ सर को रेफर किया था, इकोनॉमिक लॉ था मेरा इलेक्टिव, मेरे 79 मार्क्स आए थे। सबसे पहले मैंने उसे सेल्फ पढ़ा था, देन उनके रिविजन लेक्चर्स रेफर किए थे, तो मेरा इकोनॉमिक लॉ हो गया था। अब हम बात करते हैं डीटी की। डीटी में भंवर बुराना सर के रिविजन लेक्चर्स मैंने रेफर किए थे और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भंवर बुराना सर ने कुछ टॉपिक्स का रिविजन नहीं कराया हुआ है, वो आप अतुल अग्रवाल के रिविजन लेक्चर्स को देख सकते हो। उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने, जैसे पेनल्टीज हुआ अपना और कुछ अदर टॉपिक्स हैं। अगर हम सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो आप दुर्गेश सर को रेफर कर सकते हो। दुर्गेश सर के इंग्लिश में भी रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उनको भी चेकआउट करना, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर हम बात करें IDT की, IDT में मैंने जो रेफर किए थे वो थे विशाल भत्तर सर। विशाल भत्तर सर भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैंने उन्हीं से क्लासेस ली थी तो उनका सारा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था, तो वो अपना जो रिवीजन कराते हैं वो अपने चार्ट से कराते हैं, तो वो मेरे पास अवेलेबल थे, तो मेरा IDT बहुत अच्छे से हो गया था। लेकिन अगर मैं सेकेंड प्रेफरेंस की बात करूँ तो आप राजकुमार सर को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। उनका मैंने FTP लिया था तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया था उसे 45 मिनट्स में। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। जो भी मैंने टीचर्स के नाम बताए हैं उनका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जूनियर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।